पढ़ते हैं उसमें कई जगहों पर पहले से ही कैंप का लगा हुआ है, एक कैंप की स्थापना सीआरपीएफ की हुई है, यही साहब सीआरपीएफ के अधिकारी जो आए हुए हैं वहाँ पर सीआरपीएफ को स्पेशल हो गया है और गोल जाकर जो भी चक्रों का छुटा बचा हुआ था नक्सली के कारण जहाँ पुलिस की भूख नहीं थी और पुलिस की भूख छोड़ रही है और हम लोग पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज करने आईजी सीआरपीएफ जमुई। जैसा कि आपको पहले ब्रीफ किया है, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने नए कैंप स्थापित करे हैं भीम बांध का जो कोर एरिया है जंगल के बीचों बीच, जहाँ पर कोई भी गतिविधि करने के बाद नक्सली भागकर छुप जाया करते थे। अब हमने वहीं अपने कैंप लगा दिए हैं ताकि नक्सलियों को कहीं पर भी वारदात अगर वो करते हैं तो उसके बाद भागने के लिए कोई जगह ना मिले। जब हम उनकी वो भागने की जगह को बंद कर देंगे तो ये निश्चित है कि उनका जो भी गतिविधि है अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उनको छुपने का कोई ठिकाना हमने नहीं छोड़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन कैंपों के लगने से बहुत जल्द आपको इनका असर देखने को मिलेगा और नक्सली गतिविधियाँ जो भी हैं उनमें बहुत तेज़ी से भारी रूप से कमी आएगी। देखो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप हैं जिन पर हमसे सीधा लड़ने की क्षमता नहीं बची है, इसलिए वो क्या करते हैं दो चार बचाते हैं मैक्सिमम लेवी पे उनका ज़्यादा ध्यान है। उस बारे में मेरे से ज़्यादा डीआई साहब बता पाएंगे कि उनकी संख्या ज़्यादा उनके पास होती है। नक्सली गतिविधि तो आपने भी देखा होगा, कोई बड़ी गतिविधि तो ये पूरे हमारे पंचायती इलेक्शन हो गए या साल डेढ़ साल हो गए कोई भी करने में सफल नहीं हो पाया नक्सली, तो वही दर्शाता है कि उनकी क्षमता जो है बहुत कम हो गई है। और एक तरह से वो जो अंतिम उनका होता है चरण नक्सली चलने का खत्म होने का उसमें पहुँच चुके हैं, पर बहुत जल्दी आपको ये पता चलेगा, सूचना मिलेगी कि नक्सलिज्म इस इलाके से समाप्त हो गया। एक नया शहर हम बस हमारे कैंप थे, हम शहरों से जो कोरियर एरिया थे या जो छुपने के स्थान थे उन्हें बीच बीच में ऑपरेशन चलाते थे, लेकिन रेगुलरली वहाँ पे जाना संभव नहीं था। गए दो दिन रुके, तीन दिन रुके, वापस आ गए। तो अब हमने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है कि हम दो तीन दिन के लिए नहीं जाएंगे, परमानेंट वहीं जाके बैठ जाएंगे। जैसे चोरमारा में बैठ गए हैं, पैसरा में बैठ गए हैं, अब उसके अगल बगल का जो भी इलाका है जंगल का उसी कैंपों से वहाँ पे अभियान चलाते हैं। जी बताइए सर, टोटल अभी 6 कैंप हमारे सीआरपीएफ के हैं, इसके अलावा एक हमारा कोबरा का है, इसके अलावा जो एसएसबी वगैरह उसके बारे में आपको डीआईजी वगैरह बता पाएंगे कि टोटल मिला के पुलिस के कितने कैंप जाते हैं करने के। सर एक सिविक सिलेक्शन प्रोग्राम को जो हमारा लगातार चलता है, स्टेट का भी उसमें सहयोग रहता है, वो मेन मकसद होता है हमारा जनता और अपने बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करना है। उसको जो भी छोटी मोटी सहायता सरकार हमारे द्वारा कर सकती है, जहाँ तक कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार का प्रशासन नहीं पहुँच पाता है, तो मुख्य उद्देश्य उसका होता है कि वहाँ तक क्योंकि हम कैंप लगा के बैठे हैं, हर जगह जिला प्रशासन और राज्य सरकार नहीं पहुँचा है, वहाँ पर हम सिविक एक्शन लगा स्कूल है, वहाँ जो नक्सली वहाँ का लीडर है बालेश्वर कोड़ा, उसकी बहू भी अब उस स्कूल में पढ़ा रही है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे वहाँ पर कैंप स्थापित करने से समाज में और गांव में कितना बदलाव आया है और लोग नक्सलियों को छोड़कर मुख्य धारा की तरफ वापस लौट गए। सर क्या संदेश? संदेश बड़ा स्पष्ट है कि उन्हें मुख्य धारा में वापस आना चाहिए और आना ही होगा, उनके पास दो चॉइस नहीं है, मुख्य धारा में वापस आए वरना जब भी हमसे आमना सामना होगा तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार की भलाई के लिए जितना जल्द हो सकता है वो इसको हिंसा को छोड़े और मुख्य धारा में शामिल हों। मैंने पहले बताया था कि स्वीप एक्शन प्रोग्राम हम जो विभिन्न गांव हैं हमारे इलाके में पड़ते हैं, जो खासकर पिछड़े हुए इलाके हैं जहाँ तक कि नॉर्मल प्रशासन जो है वो नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर हम स्वीप एक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। इसी स्वीप प्रोग्राम का हमारा एक हिस्सा है कि हम बच्चों को पठन पाठन की जो सामग्री थी वो वितरित करते हैं, और यदि कहीं पर हमें महसूस होता है कि किसी कारणवश या नक्सलियों के भय से शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो जो हमारे पढ़े लिखे अहदेदार हैं या सिपाही या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको भी हम वहाँ पे शिक्षण हेतु भेजते हैं। और ये हमने और जो राज्य है वहाँ पे भी किया है, और जब से हम चोरमारा गए हैं चोरमारा में हमें देखने में उसको मिला कि वहाँ पे शिक्षक नहीं आ पा रहा है, तो हमारे जो पढ़े लिखे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं वो वहाँ पर जाकर रेगुलर रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उससे सर बच्चों जो पहले स्कूल कभी हफ्ते 10 दिन में एक बार खुलता था कभी नहीं खुलता था, अभी रेगुलर क्लास वहाँ चल रही है और तकरीबन 100 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं।